Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum all the parents and all the teachers. How are you all? Today we are going to start our Today we are going to start our lesson 7 transport of class 3 new oxford social studies for pakistan. This is the book for class 3 new oxford social studies for pakistan and today we are going to start its

कोई भी ये ना समझे कि ये मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ ये आ, मैं गाइडलाइन दे रही हूँ और ये पूरा लेक्चर मैं पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बना रही हूँ ताकि वो लोग खुद से समझ सकें कि उन्होंने घर में बच्चों को ये वाला लेसन किस तरह पढ़ाना है या सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश जो है वो किस तरह अपने बच्चों को घरों में पढ़ा सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एज ऑलवेज़ आई टेल यू द एस एल ओज़ एस एल ओज आर द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी चैप्टर एवरी थिंग विच वी आर गोइंग टू टेल द uh, स्टूडेंट्स जो चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं वो उसका जब रिजल्ट हम बच्चों से लेते हैं उसको हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कहते हैं यानी कि वो रिजल्ट वो आउटपुट जो बच्चे हमें देते हैं एक चीज़ सीखने के बाद दट इज कॉल्ड द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम और एस एल ओ सो इस चैप्टर का एस एल ओ क्या है एज यू कैन गैस फ्राम द नेम ऑफ द लेसन दैट इट इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट सो एट द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल भी एबल टू नो अबाउट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स डिफरेंट मोडस ऑफ द ट्रांसपोर्ट विच आर अवेलेबल इन पाकिस्तान बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान एंड वी आर स्टडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर ओन कंट्री ओके हमने बच्चों को अपनी कंट्री में जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट जितने भी, भी व्हीकल्स यूज होते हैं हमारे रोड्स और जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वो हमने बतानी है सो so, एक तो ये एसलो है कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू learn about the different modes of the transportation available in pakistan and the second slo is that the students will be able to know about different traffic rules which are um, present in pakistan so let's start ट्रांसपोर्ट एनी मीन्स दैट यूज़ टू मूव फ्राम वन प्लेस टू अनादर इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट ओके वेदर इट बी अ कार और इट्स एन एरोप्लेन और मोटरसाइकल और रिक्शा और बाइसिकल एनी थिंग एनी थिंग विच टेक्स यू फ्राम वन प्लेस टू अनादर इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोर्ट मशीन्स विच टेक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड आर कॉल्ड व्हीकल्स जो जमीन पर जो मशीन्स यानी कि मशीन वो चीज़ होती है जो इंजन से जो है वो चलती है ठीक है यानी कोई भी ऐसी मशीन जो लैंड पर यानी जमीन पर हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है उसको हम व्हीकल्स कहते हैं क्या उन्हें कहते हैं हम उन्हें हम व्हीकल्स कहते हैं और ये सब चीज़ें आपने बच्चों को बतानी है यू हैव टू क्लियर ऑल दीज कॉन्सेप्ट इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन ओके सम व्हीकल्स आर ड्रिवन फॉरवर्ड बाई इंजन बाज जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि कार और जीप और ट्रक और ट्रैक्टर ये सब जो हैं ये इंजन से चलते हैं ठीक है द इंजन रन ऑन पेट्रोल डीजल और सी और ये किन चीजों से चलते हैं यानी कि जब तक हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा जब तक हमारी गाड़ी में सी नहीं होगी जब तक डीजल नहीं होगा इट कैन नॉट मूव ओके आपने बच्चों से ये पूछना है कि आप आप जब अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं कहीं तो आपके फादर या आपकी मदर जो हैं जब पेट्रोल पंप पर रुकते हैं तो वो क्यों अपनी गाड़ी में पहले फ्यूल डलवाते हैं पहले क्यों वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल या सी या डीजल डलवाते हैं बिकॉज उसके बगैर आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी आपकी गाड़ी योर कार विल स्टॉप एंड यू विल नॉट बी एबल टू तो गो आ, गो टू तो योर डेस्टिनेशन यानी कि आप जिस जगह पे जाना चाहेंगे वो फिर आप नहीं जा सकेंगे क्योंकि पेट्रोल या सी या किसी भी फ्यूल पे जिस पर जिसपे आपकी गाड़ी चलती है या व्हीकल चलता है वो जब आप उसमें नहीं डलवाएंगे तो वो काम नहीं करेगा और नहीं चलेगा सम व्हीकल्स कैन ऑल्सो रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी अब जो लेटेस्ट uh, जो एक टेक्नोलॉजी आ रही है ठीक है उसमें ये चीज़ आ रही है कि हमारे जो व्हीकल्स हैं हमारी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं ठीक है थीके? और इलेक्ट्रिक साइकिल्स इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स आ रही हैं ठीक है थीके? तो यानी कि उनको चलाने के लिए हमें जो है उसमें पेट्रोल या सी या किसी भी किस्म का फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं होगी वी विल सिंपली चार्ज दैट कार और दैट व्हीकल एंड इट विल रन ओके यानी कि जैसे जिन बच्चों के पास घरों में इलेक्ट्रिक कार्स मौजूद हैं जैसे मेरे बच्चों के पास भी इलेक्ट्रिक कार है तो वो किससे चलती है उसमें बैटरी होती है ठीक है और उस बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं एक पूरे दिन के लिए तो नेक्स्ट डे पूरा दिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसको आप चला सकते हैं वो बैटरी पर चलती है और उस बैटरी को आपने चार्ज करना होता है सेम लाइक like, uh, जिस तरह हम अपने मोबाइल्स को चार्ज करते हैं जिस तरह हम अपनी बाकी uh, जितनी भी जो बैटरी पे चलने वाली चीज़ें होती हैं उनको चार्ज करके यूज करते हैं इसी तरह की अब कार्स और व्हीकल्स जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं लेटेस्ट द कार इज़ अ व्हीकल ये कार आप देख सकते हैं और इसको भी हम व्हीकल कहते हैं बिकॉज इट रन ऑन द लैंड ओके बिकॉज अ कार इज अ मशीन विच टेक्स अस फ्राम वन प्लेस टू अनदर ऑन द लैंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हीकल यू सी कार्स ऑन द रोड्स एवरी डे डू यू नो वट द पार्ट्स ऑफ अ कार आर कॉल्ड आपने ये बच्चों से पूछना है टीचर्स एंड पेरेंट्स यू हैव टू आस दिस क्वेश्चन डायरेक्टली फ्राम द स्टूडेंट्स डू यू नो द पार्ट्स द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कार तो ये उन्होंने यहाँ पे आ, कार के हमें पार्ट्स के नेम्स हमें लेबल करके बताए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंजन ये जो ये ये बोनट है दिस इज द बोनट और बोनट को जब हम खोलते हैं आपने बच्चों से पूछना है कि आपने कभी गाड़ी का बोनट उसका इंजन देखा है जब कभी आपकी गाड़ी जो सी है वो रुक जाए तो आपके फादर जो हैं वो उतर के अपना ये बोनट खोल कर अपनी गाड़ी का तो उसमें इंजन को चेक करते हैं ठीक है तो ये इसमें इंजन होता है और ये बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे ये रेडिएटर होता है ठीक है एंड दिस इज़ द हेडलाइट एंड दिस इज द बम्पर ये जो नीचे वाला होता है ये बम्पर होता है ठीक है एंड दिस इज द स्टेयर व्हील दिस इज द विंड स्क्रीन ये अपने बच्चों को एक एक जो पार्ट है इसकी लेबलिंग आपने पढ़ के सुनानी है और बच्चों को आपने रिपीट करवानी है अपने साथ सो so दैट उनके माइंड uh, और उनकी उसमें ये आ सके मेमरी में दिस इज़ कॉल्ड द रियर व्यू मिररर ये जो हम बैक साइड पे अपना वो देखने के लिए यूज़ करते हैं मिरर उसको हम रियर व्यू मिररर कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द रूफ ऑफ द कार ये वाला जो आ, होता है इसको हम साइड व्यू मिररर कहते हैं इसे हम साइड वाली जो ट्रैफिक होती है उसको देखते हैं दिस इज़ कॉल द टायर दिस इज कॉल द व्हील ये ऊपर जो रबर ये जो रबर का होता है इसको हम टायर कहते हैं इसके अंदर ये जो ये एलोए का होता है या ये जो इसका ये जो रिम होता है इसको हम व्हील कहते हैं ओके दिस इज द एग्जॉस्ट पाइप यानी कि यहाँ से ये यह जो है आ, वो जितना भी धुआं है वो यहाँ से निकलता है ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड द बूट ओके ये जो इसकी बैक साइड है इसको हम बूट कहते हैं या हम अपनी आम जुबान में हम इसको डिग्गी कहते हैं ओके सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑफ अ नॉर्मल कार हेर आर समर व्हीकल्स विच हैव इंजन दे ऑल नीड पेट्रोल डीजल और सी एन जी एंड ऑयल एंड वाटर टू रन द टायर्स नीड एयर आपने देखा होगा आप बच्चों को ये बताएंगे कि अगर किसी गाड़ी का जब टायर पंक्चर हो जाए यानी कि उसमें से उसकी एयर निकल जाए उसकी हवा निकल जाए तो फिर भी आपकी गाड़ी जो है वो नहीं चलती बिकॉज टायर्स नीड एयर टू रन ओके कैन यू थिंक वाई वाटर इज नीडेड एंड बेयर इट इज़ यूज इन अ व्हीकल गाड़ी में हम पानी डालते हैं ना अक्सर ऐसा होता है कि हम आ, मतलब कोई पुरानी गाड़ी हो हमने देखा होता है कि वो अगर रुकी हुई है और उसका जी बोनट खोल के उसके अंदर लोग पानी डाल रहे होते हैं ठीक है और उसमें से धुएं की वो एक धुआं उठता है और आवाज़ आती है जैसे किसी गर्म चीज़ के ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो वो इसलिए हम डालते हैं वो गाड़ी को गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको ठंडा रखने के लिए उनको कूल डाउन करने के लिए जो है वो यूज़ होता है आपने बच्चों को ये बताना है कि गाड़ी या किसी भी व्हीकल में हम पानी इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसके सारे पार्ट्स को जो है वो गर्म होने से बचाए उसके उसको कूल उसका एज अ कूलिंग सिस्टम हम कूलिंग एजेंट उसको यूज़ करते हैं पानी को कैन यू नेम द व्हीकल्स इन दिस पिक्चर दीज आर वेरी कॉमन व्हीकल्स एंड

एनिमल्स uh, से जो है वो uh, चलाए जाते हैं यानी कि उनमें इंजन नहीं होता बट इंस्टेड ऑफ एन इंजन वी यूज़ एनी एनिमल जैसे कि आपने देखा होगा कि ये गधा गाड़ी घोड़ा गाड़ी या टोंगा होते हैं या ये जो बुल कार्ट्स होते हैं ठीक है आपने बच्चों को ये कहना है कि ये सब जो हैं ये भी व्हीकल्स हैं इनके पीछे एक कार्ट लगा होता है जो कि पहिए जिसमें लगे होते हैं लेकिन उसको चलाता कौन है उसके आगे इंजन नहीं लगा होता उसके आगे क्या लगा होता है उसके आगे हम किसी एनिमल को यूज़ करते हैं उस कार्ट को चलाने के लिए सम व्हीकल्स ना इधर हैव इंजन्स नोर आर दे पुल बाई एनिमल्स हाउ डू यू थिंक दे मूव अब कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं कि जो ना तो इंजन से चलते हैं ना ही वो एनिमल्स उनको पुल करते हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्हीकल्स किस तरह चलते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बाइसिकल आपको पता है कि ये बाइसिकल इसके भी व्हील्स uh, हैं दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड व व्हीकल एंड इट मूवस ऑन द लैंड बट इट इज़ नॉट पुल्ड बाई एनी इंजन और एनिमल instead of it the person a person who rides it pulls it forward yani ki ek aadmi jo ise chalayega wo is pe baith ke isko aage jo hai lekar jayega did you know the largest air uh, aeroplane today in the airbus is the airbus a380 it can carry a full load of 655 passengers आज कल दुनिया में जो सबसे बड़ा एरोप्लेन है उसका नाम है एयरबस ए थ्री और इसमें एक साथ सिक्स पैसेंजर्स जो है वो बैठ सकते हैं हेयर आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ सम कॉमन व्हीकल्स आ हॉर्स कैरिज यानी कि ये वो सब व्हीकल्स uh, हैं जो कि एनिमल्स से पुल किए जाते हैं आ हॉर्स कैरिज यानी कि इसको हम टांगा कहते हैं ये ये एक टोंगा है ठीक है एंड दिस इज अ हैंड कार्ड यानी कि ये जो जिसे हम रेडी कहते हैं आम जुबान में ठीक है ये लोग इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एंड दिस इज अ बुलक बुल्ड ठीक है ऑन नेक्स्ट पेज हेयर ट्रैवलिंग बाई एयर इज़ द फास्टेस्ट वे टू गो एनी वेयर अब हमने अगर दुनिया में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना हो या हमने अपने ही मुल्क में एक शहर से दूसरी शहर में दूसरे शहर में जाना हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव टू मूव फ्राम लाहौर टू कराची और फ्राम लाहौर टू पिशावर और लाहौर टू इस्लामाबाद तो हम क्या करते हैं और हमने जल्दी पहुँचना हो तो हम एरोप्ल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं एरोप्लन चूज़ करते हैं बिकॉज़ एरोप्लन से हम घंटों और दिनों का सफ़र जो है वो हम चंद घंटों में जो है वो हम पूरा कर सकते हैं तय कर सकते हैं एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द सी एंड हाई माउंटेन्स दे कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन द शॉटेस्ट टाइम फॉर ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज बाई एयर देलीकॉप्टर इज मोस्ट यूजफुलर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ़ अलीकॉप्टर हैलीकॉप्टर्स कैन लैंड ऑलमोस्ट एनी वेयर इवन ऑन योर स्कूल प्लेइंग फील्ड आपने बच्चों को ये बताया कि हेलीकॉप्टर्स भी उड़ सकते हैं लेकिन वो Uh, ज़्यादा दूर जाने के लिए जो है वो uh, नहीं इस्तेमाल हो सकते बिकॉज उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती और हेलीकॉप्टर्स में जो है वो लोग भी कम बैठ सकते हैं इन में पैसेंजर्स की भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती और इनमें लॉन्ग डिस्टेंसेस तक मूव करने की भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह अगर एक शॉर्ट डिस्टेंस हो थोड़े फ़ासले पे आपने जाना हो और लोग भी कम हो तो फिर आप एक हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं व्हीकल्स दैट ट्रैवल अलॉन्ग द ग्राउंड हैव व्हील्स ट्रेन हैव व्हील्स टू बट दे मूव अलॉन्ग ऑन ट्रैक्स और रेल्स हेयर यू कैन सी दिक्चर ऑफ अ ट्रेन एंड यू हैव टू टेल the स्टूडेंट्स uh, that आपने देखा होगा कि ट्रेन जो है वो आम रोड के ऊपर या इस तरह आम लैंड के ऊपर मूव नहीं कर सकती जैसे कि गाड़ियाँ और साइकिल और मोटरसाइकल और ये जीप्स वगैरह मूव करती हैं ट्रेन को अपने मूव करने के लिए जो है एक स्पेसिफिक uh, ट्रैक uh, चाहिए होता है जिसको हम रेलवे ट्रैक कहते हैं ठीक है और उसके ऊपर यानी कि रेल की पटरी उसे हम कहते हैं ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और उसके ऊपर ही ट्रेन चलती है इससे अगर हट जाएगी तो ट्रेन नहीं चल पाती रेलवे कैरेजेज आर पोल्ड बाय पावरफुल इंजनस द पावर फॉर दीज इंजन कम्स फ्रॉम डीजल कोल और इलेक्ट्रिसिटी ये ट्रेन भी जो है ये किसी ना किसी फ्यूल से किसी ना किसी उससे चलती है और uh, इंजन इसको चलाता है हैव यू एवर ट्रेवल बाई ट्रेन इन पाकिस्तान वी हैव अ रेलवे नेटवर्क दैट लिंक्स ऑल मेजर टाउन्स एंड सिटीज़ देर इज ऑल्सो गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड हाईवेज मैनी पीपल ट्रैवल बाई कार एंड मैनी मोर यूज द बस सर्विसज हे यू कैन सी अ बस सर्विस और बस में जो है वो एक साथ काफ़ी सारे लोग बैठ सकते हैं और ये भी एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाने में हेल्प करती है ठीक है पीपल हु ट्रैवल अ लॉन्ग वे समटाइम्स हैव टू क्रॉस द सी अ रिवर और अ लेक दे कैन ट्रेवल बाई बोट और एरोप्लेन जब आपके रास्ते में कोई समंदर या कोई झील या कोई नदी या कोई दरिया आता है तो फिर लोग जो हैं वो बोट्स यूज करते हैं या शिप्स यूज करते हैं या वो सिंपली एरोप्लेन यूज करते हैं हेयर ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव देर आर मैनी काइंड ऑफ बोट्स अ फेरी फॉर एग्जाम्पल कैरीज दिस इज़ अ फेरी ओके हेयर यू कैन सी दैट दिस इज़ अ फेरी अ फेरी फॉर एग्जाम्पल कैरीज पीपल एंड गुड्स प्रोडक्ट्स फ्राम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अपोजिट बैंक यानी कि अब जैसे एक यहाँ पे ये इलाका है ठीक है इसके इस जगह पे लैंड है और इस जगह पे लैंड है और दरमियान में सारा जो है वो एक रिवर है और लोगों ने इस जगह से इस किनारे से इस किनारे तक जाने यानी कि द पीपल हैव टू मूव फ्राम दिस बैंक टू दिस बैंक तो वो क्या करते हैं कि ये जो फेरी होती है ये चलती है जैसे रोड्स पर यह बसेस चलती हैं ना आ, लोगों को एक इलाके से दूसरे इलाके तक लेके जाने के लिए इसी तरह जब एक इलाके में पानी होता है आ, जैसे डिफरेंट जो आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे ये फेरीज यूज़ होती हैं बसेज़ की जगह लोगों को एक जगह दूसरी जगह लेके जाने के लिए और इसमें लोग अपनी चीज़ें भी लेकर जाते हैं ठीक है शिप्स आर यूज़ टू कैरी लार्ज loads ऑफ goods लाइक ग्रेन वर्ड मशीनरी एक्सेट्रा अब शिप्स जो हैं वो आपने देखा होगा कि वो आ, यूज़ होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं और उसमें हम जो है वो ज़्यादा सामान अपना जो है जैसे आपने देखा होगा कि ये जो हमारे इम्पोर्ट uh, एक्सपोर्ट होती है वो ज़्यादा शिप्स के थ्रू होती है जैसे दूसरे मुल्कों से uh, जो है वो इम्पोर्ट्स आती हैं हमारे मुल्क में और सामान आता है सारा इसी तरह हमारे मुल्क से जब वो जाता है, तो वो सब जो है वो शिप्स पे लेके जाते हैं ठीक है शिप्स दैट कैरी ऑयल आर कोल्ड टैंकर्स दे आर ही शिप्स विच कैरी थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल अब जो ऑयल टैंकर होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है दिस इज़ एन ऑयल टैंकर और इसमें ऑयल जो है वो लेके जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स दैट आर पैक्ड इन कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर शिप्स ठीक है कंटेनर शिप्स के अंदर जो है वो चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बोट्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्पोर्ट एंड एडवेंचर

Uh, बोर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट लोग इस्तेमाल करते हैं और ये वाली बोर्ड जो इज़ अ अकेनोई एंड इट इज ऑल्सो यूज विदाउट एन इंजन बाकी सब ये जो बोर्ड्स हैं ये इंजन से चलती हैं सो दीज द ट्रांसपोर्ट मोड्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रोड सेफ्टी और द ट्रैफिक रूल्स पीपल लिव इन लार्ज सिटीज पीपल है so, Place to place, adults go to work, children go to school. Traffic is always on the move. Roads are very busy in the morning when people go to work and in the evening when they go home. Everyone on the road, whether they are driving, riding motorcycles, or bicycles, or walking, must obey traffic rules. These rules are made to keep everybody's, everyone safe and to prevent accidents. Traffic rules are set out in a book called The Highway Code. Breaking traffic rules is punished by law. People who walk along a footpath. are pedestrians when you you walk to school you are you are a pedestrian pedestrians have to be very careful pedestrians किसे कहते हैं जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको हम pedestrians कहते हैं ठीक है और पैदल चलने वालों को बहुत केयरफुल होना पड़ता है जब वो रोड्स पर चलते हैं ठीक है और इसमें उन्होंने हमें रोड्स सेफ्टी के बारे में बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और लोग एक दग, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं मुख्तु कामों के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स जो हैं वो अपने काम पे जाने के लिए जो है सुबह निकलते हैं आप अपने स्कूल जाने के लिए निकलते हैं आपने देखा होगा कि सुबह जब स्कूल टाइम होता है तो कितना ज़्यादा रश होता है रोड्स के ऊपर क्योंकि सब लोग जो हैं वो स्कूल जा रहे होते हैं इसी तरह जब होम टाइम होता है यानी छुट्टी का टाइम होता है तो तब भी कितना रश होता है बिकॉज ऑल द पीपल आर अगेन गोइंग बैक टू देयर होम्स तो ट्रैफिक जो है ये हर वक्त चलती रहती है जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड पर जो है वो ब्लॉक हुई हुई है रोड्स हमेशा जो है वो बिज़ी होते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सुबह के टाइम भी रात के टाइम भी तो हर कोई जो है वो रोड पे चल रहा होता है और जो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट चला रहे होते हैं उनको भी ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखना चाहिए जो पैदल चल रहे होते हैं उनको भी ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो है ये सब लोग ट्रैफिक रूल्स को ओबे करेंगे तो एक दूसरे Uh, की भी सेफ्टी रखेंगे और एक्सीडेंट से बच सकेंगे और इस तरह की ये जो ट्रैफिक ब्लॉक है ये भी नहीं होती ठीक है और ट्रैफिक रूल्स जिस बुक में लिखे जाते हैं उस बुक का नाम होता है हाईवे कोड हेयर यू कैन सी द बुक ट्रैफिक रूल्स आर सेट आउट इन अ बुक कॉल्ड द हाईवे कोड द बुक विच हैज़ ऑल द ट्रैफिक रूल्स इन इट इज कॉल्ड द हाईवे कोड और uh, ट्रैफिक रूल जो तोड़ते हैं उनको जो है वो पनिश दी जाती है जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे ट्रैफिक वार्डनस हैं वो रोड्स पे खड़े होकर लोगों के चलान कर रहे होते हैं अगर कोई जो है वो सिग्नल तोड़ देता है यानी कि रेड लाइट को क्रॉस कर जाता है या येलो लाइट पे रुकता नहीं है इस तरह का या और कोई अपना लॉ वो अगर तोड़ता है या अगर खुदा खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी की गफलत की वजह से तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पनिशेबल है और uh, पुलिस जो है वो उसको हमारा जो कानून है उसको पनिश करता है उस इंसान को जो ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नहीं करता देर आर सम रूल्स फॉर ऑल प्रजिस्ट्रिय फॉलो द रूल्स एंड दे विल हेल्प यू टू कीप सेफ ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ क्रॉसिंग और अ सेफ प्लेस बिफोर क्रॉसिंग अ रोड फर्स्ट लुक राइट दैन लुक लेफ्ट लुक राइट अगेन लिसन केयरफुली इफ देर इज नो ट्रैफिक कमिंग क्रॉस द रोड When you want to cross a road, make sure you can see both ways. Do not cross from behind a parked vehicle. Never play on or near a road. Never try to get on a moving vehicle. Always walk on the footpath. If there is no footpath, walk close to the side of the road. अब ये सारे जो uh, common traffic rules हैं जो कि हमें हर किसी को follow करने चाहिए ठीक है वो कह रहे हैं कि जब आप पैदल चल रहे हों here are some rules for all pedestrians. यानी पैदल चलने वालों के लिए कुछ rules हैं ठीक है तो ये हमें जोन से फॉलो करने चाहिए कि हमें हमेशा जैबरा क्रॉसिंग पे जो है वो रोड क्रॉस करना चाहिए और अगर ज़ैबरा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें एक सेफ प्लेस यानी कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक ना हो वहाँ से रोड क्रॉस करनी चाहिए और रोड क्रॉस करने से पहले हमें पहले दाएं तरफ देखना चाहिए फिर बाएं तरफ और फिर से दाएं तरफ देखना चाहिए और जब कोई गाड़ी ना आ रही हो या कोई भी व्हीकल ना आ रहा हो तो फिर हमें अपना जो रोड है वो क्रॉस करना चाहिए ठीक है और कभी भी एक जो गाड़ी या कोई व्हीकल या कोई ट्रक वगैरह खड़ा हुआ है उसके पीछे से एकदम हमें चलते हुए रोड पे नहीं निकल जाना चाहिए बिकॉज हमें नहीं पता होता कि आगे से कौन आ रहा है और आगे से आने वाली गाड़ी या मोटरसाइकिल को भी नहीं पता कि जी इस खड़ी हुई गाड़ी के पीछे से कोई एकदम अचानक निकल के सामने सड़क पर आ जाएगा तो इसलिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ठीक है तो दिस वॉज द चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डज़ अ टैंकर कैरी इट्स आंसर इज हेयर ऑन पेज नंबर थर्टी सेवन हेयर यू कैन सी आई हैव मार्क्ड इट्स आंसर शिप्स दैट कैरी ऑयल आर कॉल टैंकर्स दे आर ह्यूज शिप्स विच कैरी थाउजेंड्स ऑफ बैरल ऑफ ऑयल दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर वन नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज वट इज अ फेरी यूज फॉर इसका आंसर और ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ आपने ये ड्रॉ करना है ऑयल टैंकर ठीक है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर अ फेरी कैरीज पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द ऑपोजिट बैंक ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर टू का और ये फेरी आपने साथ जो है वो ड्रॉ करवानी है बच्चों से क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग इसका आंसर है यहाँ पर पेज नंबर थर्टी सिक्स पर ट्रैवलिंग बाय एयर इज द फास्टेस्ट वे टू गो एनीर एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द सी एंड साई माउंटेंस कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द शॉर्टेस्ट टाइम ये इसका आंसर आपने बच्चों से लिखवाना है पूरा ठीक है और ये आपने साथ एरोप्लेन ड्रॉ करवाना है क्वेश्चन नंबर फोर इज हैव यू एवर ट्रेवल बाय एरोप्लेन और बाय बोट डिस्क्राइब योर जर्न जर्नी चाइल्ड विल डू बाय हिमसेल्फ ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपने बच्चों से खुद करवाना है ठीक है आपने उनसे पूछना है कि कभी उन्होंने एरोप्लेन या बोट से सफर किया है और अगर किया है तो वो कैसा रहा उनका सफर ये उन्होंने अपने वर्ड्स में अपनी कॉपी में लिखना है तीन से चार लाइन्स में क्वेश्चन नंबर फाइव इज वट आर द रूल्स फॉर क्रॉसिंग अ बिजी रोड अब ये है ये इसका आंसर है पेज नंबर थर्टी नाइन पर ये सारे रूल्स हैं रूल्स फॉर क्रॉसिंग अ बिजी रोड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है ठीक है फर्स्ट थ्री जो हैं ये पॉइंट्स इसके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इज व्हाई डू यू थिंक इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू बी नॉइजी और टू टॉक टू द ड्राइवर वैन यू आर ट्रेवलिंग इन अ कार और बस कि जब हम कार पे या बस में सफ़र कर रहे हैं तो हमें ड्राइवर से ज़्यादा बातें क्यों नहीं करनी चाहिए इसका आंसर है सिंपल बिकॉज इट कैन डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर एंड कॉज एन एक्सीडेंट यानी कि अगर हम बातों में उसे लगाई रखेंगे तो ट्रैफिक से रोड रोड से या अपनी ड्राइविंग से उसका जो है वो ध्यान हट जाएगा और खुदा न खासा तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ वाई आर ट्रैफिक रूल्स इंपॉर्टेंट वेयर विल यू फाइंड द ट्रैफिक रूल्स इसका आंसर यहाँ पर है ये पेज नंबर थर्टी एट पर यह यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसका आंसर पूरा ठीक है तो ये आपने बच्चों को क्वेश्चन आंसर जितना करवाने हैं फिर इसका वर्क पेज आ जाता है हेयर पार्ट ए है नेम द फॉलोइंग ये उन्होंने हमें हिंट्स दिए हुए हैं ठीक है क्लूज दिए हुए हैं और हमने उस चीज़ का नेम यहाँ पर लिखना है अ व्हीकल व्हील्स एंड एन इंजन एक ऐसा व्हीकल जिसमें इंजन होता है और उसके दो व्हील्स होते हैं दो व्हील्स वाला बाइसिकल भी होता है लेकिन उसमें इंजन नहीं होता इसलिए इंजन वाले को हम कहते हैं मोटरसाइकिल या बाइक अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाइज एंड कैन कैरी मैनी पीपल इट इज़ कॉल्ड एरोप्लेन अ व्हीकल पुल बाय अ हॉर्स घोड़ा जो है वो जिस व्हीकल पे लगा था उसको हम क्या कहते हैं हॉर्स कार्ट या टोंगा अ व्हीकल विथ थ्री व्हील्स एंड एन इंजन तीन पहे किसके होते हैं ऑटो रिक्शा के ठीक है ये जो हमारा रिक्शा था उसके अ व्हीकल यूज बाई फार्मर्स टू कैरी गुड्स एंड टू पुल अ प्लाफ ये जो खेतों में जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं आ, उसको आ, क्या हम कहते हैं बुलुक कार्ड ठीक है पार्ट बी इज विच कैन गो द फास्टेस्ट पुट दीज इन ऑर्डर यानी कि ये उन्होंने हमें डिफरेंट ट्रांसपोर्ट नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि सबसे तेज़ इनमें से कौन सा चलता है सबसे तेज है उसके बाद तीसरा आपने ये ऑर्डर में लिखना है सबसे ते, तेज़ वाले को सबसे पहले लिखना है इसलिए कार जो है वो सबसे पहले तेज चलती है सबसे ज्यादा तेज चलती है उसके बाद बस धैन स्कूटर धैन बाइसिकल धैन टोंगा एंड धैन इन द लास्ट इट विल बी बुलक कार्ट पार्ट सी इज हेयर आर सम रोड सेफ्टी सिचुएशन पुट अ टेक अगेंस्ट दोज विच यू थिंक आर सेफ पुट अक्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर नॉट नंबर वन इज क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम बिहाइंड अ व्हीकल ये सेफ है नो दिस इज नॉट सेफ सो वी विल पुट अक्रॉस हेयर वॉकिंग ऑन दुट फुटपाथ यस दिस इज वेरी सेफ एंड वी विल पुट अ टेक हेयर क्रॉसिंग द रोड इन अ हरी दिस इज नॉट सेफ

बस उनको गाइड करें ओके यू शुड क्रॉस द रोड एट अ जेबरा क्रॉसिंग डू यू नो वट इट लुक्स लाइक ड्रॉ एंड कलर वन इन द स्पेस बिलो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो हमारे मुल्क में आम नहीं है रोड्स के ऊपर सो टीचर्स मैं आपको ये बताऊंगी और टीचर्स एंड पेरेंट्स मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को खुद बता सकते हैं जैब्रा क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है कि जैबरा मीन्स के ब्लैक और वाइट जिस तरह की लाइंस या स्ट्राइप्स होते हैं जैबरा के ऊपर इसी तरह रोड के ऊपर ब्लैक और वाइट लाइंस लगाई जाती हैं ताकि uh, पेजिस्ट्रियंस जो हैं वो उसके ऊपर चल के जो है वो रोड क्रॉस कर सकें तो आप बच्चों को वो uh, बनाना सिखा सकते हैं ठीक है देन कम्स द थिंग्स यू कैन डू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड्स मेक अ क्लास डिस्प्ले विद योर फ्रेंड्स ये आप बच्चों से कह सकते हैं कि वो अपने एक चार्ट पेपर लेकर उसके ऊपर डिफरेंट या तो स्टिकर्स लगा लें या बोर्ड्स के या फिर वो खुद से ड्रॉ कर सकते हैं इस चैप्टर में भी डिफरेंट बोर्ड्स और शिप्स की हमें पिक्चर्स उन्होंने दी हुई हैं नंबर टू इज़ दिस इज़ बुलेट ट्रेन इट रानस वेरी फास्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आर द बुलेट ट्रेन वाज़ फर्स्ट डेवलप्ड बाय जापान इन 1964 इट इज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी वाई डू यू थिंक इट इज़ कॉल्ड अ बुलेट ट्रेन ये बुलेट ट्रेन होती है आपने बच्चों को बताना है इसके बारे में और फिर आपने बताना है बिकॉज इट कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अ बुलेट इसको बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक गोली की रफ्तार से जो है वो चलती है Find out three important traffic rules for drivers. Write them in your notebook. Make a list of rules for pedestrians. Learn them. If you have a younger brother or sister, teach them these rules. These are the things which you can give as the projects, class projects or student projects to the students. Uh, so, parents and teachers, this was the lesson seven transport. In the next video, we will uh, come with a new lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.